नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है। सुनक ने जंग में यूक्रेन के साथ दिखाई है एकजुटता। सुनक जेलेंस्की के बीच बातचीत पर रूस बिफर गया है। रूस ने कहा है कि ब्रिटेन के साथ आगे भी अच्छे रिश्ते की उम्मीद नहीं है। तो देखिए, ऐसी जानकारी सामने आ रही है ऋषि सुनक को लेकर के, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आखिर क्या नीति अब उनकी रहती है। नए प्रधानमंत्री वो बने हैं यूक्रेन को लेकर के, तो नीति वही है जो कि बोरिस जॉनसन की थी, लिस्ट्रस की थी। एकजुटता दिखाने की बात ऋषि सुनक की ओर से कही गई है। बिल्कुल, और पूरी तरह से ब्रिटेन इस जंग में यूक्रेन के साथ है। न सिर्फ साथ है बल्कि वक्त वक्त पर ब्रिटेन ने यह बताया भी है। याद कीजिए, बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री थे तो वो सीधे मैदान जंग में पहुंच गए थे। यूक्रेन पहुंचकर उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी और कीव की सड़कों पर दोनों नेता टहलते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर ब्रिटेन की पॉलिसी में किसी तरह का कोई चेंज यूक्रेन को लेकर नहीं होगा, इसके सीधे संकेत ऋषि सुनक ने दे दिए हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि सुनक ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से की है बात और उन्हें बताया है कि ब्रिटेन इस जंग में उनके साथ है। आइए अब यूक्रेन जंग के बीच रूस और ब्रिटेन के रिश्तों पर नजर डाल लेते हैं और समझते हैं कि ऋषि की अगुवाई वाले ब्रिटेन का रूस के साथ रिश्ता किस कदर बदल सकता है, बदलेगा भी या नहीं, ऋषि से क्या होगा रूस का रिश्ता। जी हां, इसे लेकर कई सवाल जहन में है। यूक्रेन जंग को लेकर रूस के खिलाफ ब्रिटेन, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, सबसे ज्यादा मुखर रहा है। यूक्रेन जंग को लेकर ब्रिटेन का क्या रुख है हम सब जानते हैं। पूर्व ब्रिटिश पीएम जॉनसन रूस के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते रहे, रिश्ते बेहद तल्ख नजर आए और ये तल्खी आगे भी बरकरार रहेगी, रूस ये मानकर चल रहा है। जॉनसन वॉर के बीच कीव गए और जेलेंस्की के साथ सड़कों पर नजर आए। रूस भी यूक्रेन वॉर में ब्रिटेन को सबसे बड़े दुश्मनों में एक मानता है और हमने देखा है इस जंग के शुरू होने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से कितनी जबरदस्त मदद यूक्रेन को मिल रही है। इन्हीं वजहों से कई बार ब्रिटेन पर बड़े रूसी हमले की आशंका भी जताई गई। याद कीजिए वो प्लान जो रूस की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लंदन को हमला करके कैसे कर दिया जाएगा बर्बाद परमाणु पनडुब्बी के जरिए। अब आगे क्या, ऋषि सुनक की अगुवाई वाले ब्रिटेन के रूस से रिश्तों पर सबकी नजर होगी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही ऋषि सुनक से भी। रूस ब्रिटेन के तल्ख रिश्तों में ज्यादा बदलाव की उम्मीद कम है, ये रशिया मानकर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद प्रेसिडेंट जेलेंस्की को फोन करते हैं, उन्हें यह भरोसा देते हैं कि ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है, वो अपने आप में सुरभि ब्रिटेन की आने वाले वक्त में पॉलिसीज क्या होगी ये साफ करता। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।